शहीद कांजू ग्रुप का अब मुस्तकबिल क्या होगा, उनसे बाद में, पहले आपसे। इसलिए कहता हूँ कि लोगों की ये बात है और लोग कहते भी हैं, लेकिन आज लोग बड़े खुल के सामने आ गए हैं और इस दफ़ा उन्होंने वोट के ज़रिए जवाब भी दिया है। सैम भाई, किसी के मुस्तकबिल का तो मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मुस्तकबिल सिर्फ शऊर का है, और वो मैं अपनी तमाम वर्करों में, पीटीआई के लोगों में, आम नौजवानों में देख रहा हूँ। जीत सिर्फ शऊर की होगी, ना इमरान खान की होगी, ना पीटीआई की होगी, शऊर की होगी, मैं ये जानता हूँ। सर, एक बहुत अच्छा सियासी घराना है, मैंने पहले भी एक दफ़ा सवाल किया था, तब आप थोड़ा सा उस सवाल को हम उस वक्त के मुताबिक हम उसको गोलमोल कर गए थे, लेकिन अब मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं इस ग्रुप का, शहीद कांजू ग्रुप का? मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि मुझे तीन ग्रुप्स लड़ने, जनरल इलेक्शन में लड़ते नज़र आ रहे हैं भाई। वो एक ग्रुप है, मकामी ग्रुप है, मकामी जो है बल्दियात में चल जाते हैं, जनरल इलेक्शन चलते हैं पार्टी लीडर के सर पे, और हमारा पार्टी लीडर जो है उसका जवाब नहीं है कि आप मुकाबला नहीं कर सकते इस ग्रुप का और इमरान खान का, क्योंकि वो ग्रुप भी, ये हलका भी, ये जो करोड़पक्का का हलका है, ये भी पाकिस्तान का एक हलका है, और ये पीछे रह जाएगा अगर हम पाकिस्तान के साथ नहीं चलेंगे। लोगों को फैसला करना है कि उन्होंने इमरान खान का साथ देना है, तरक्की का साथ देना है, रोशन पाकिस्तान का साथ देना है। यहाँ भी नौजवान लोग रहते हैं, उनका भी मुस्तकबिल है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद नज़र आ रही है कि लोग फैसला इमरान पीटीआई के हक़ में करेंगे। आपके बारे में कहा जाता है कि इस दफ़ा आप टिकट के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए निकले हैं, इसमें क्या सच्चाई है? मैं देखिए, मेरा जमहूरी हक है, मैं पूरी कोशिश करूँगा मुझे मेरिट पर मुझे मिलनी चाहिए, अगर नहीं मिलती तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर मेरे से कोई बेहतर आदमी आता है और इस पार्टी के लिए अच्छा है, तो फिर मेरी पार्टी क्या है? अगर मेरे से बेहतर आदमी आता है, मैं उसके पीछे नहीं खड़ा होता, साफ ज़रा मैं उसके पीछे खड़ा होऊंगा। अगर कोई फैसला करेगा तो मुझे ये बताएगा ना, लॉजिक के साथ बताएगा, मेरी बात भी सुनेगा। जैसे खान साहब ने कहा मैं इंटरव्यू लूँगा, अगर वो इंटरव्यू लेके मेरे से बेहतर आदमी आया तो हमें खुशी है। मुझे बेसिकली मैं आवाम के साथ कोई भी एक वर्कर बन के तो रह सकता हूँ, मैंने उस दिन भी कहा था मेरी स्पीड कम हो जाएगी, लेकिन मैं लोगों को, मुझे पता है कि लोग क्या चाहते हैं, हमने इस सिस्टम को ठीक करना है जिस तरह खान साहब ने कहा है, और हमने सिर्फ उनके नज़रियात यहाँ डिराई करने हैं। हमारी खुशी है, जिस तरह नौजवान टीम है हमारी करोड़पक्की, हमारी आपस में बड़ी अंडरस्टैंडिंग है। हम लोग, रज़ीउल्लाह साहब मेरे साथ हैं, हम आज़ाद पिछली दफ़ा हम दोनों ने इलेक्शन लड़ा था, इस बार हम दोनों इकट्ठे पीटीआई में हैं, और हमारा घराना है, पुराना ताल्लुक है हमारा, और हमारा कोई इशू नहीं है आपस में। हम मिल के ऐसी टीम बनाएंगे कि जो लोगों को उस लिए MPM में हमें ज़रूरत नहीं है। आपने इलेक्शन से पहले कहा था कि पीर अमर इकबाल शाह साहब बड़ी लीड से जीत रहे हैं, ये रिपोर्ट कहाँ से आई थी आपके पास? इंशाल्लाह मैं लोगों में रहता हूँ, मुझे लोगों का पता है, जिस तरह आपसे मेरी बात होती रही थी, आप भी लोगों में रहे हैं, मैं भी लोगों में रहे हैं, लोगों के जो व्यूज़ थे उसकी बुनियाद पर मैं समझता था कि वो जवाहर वड़ैच का और अमित शाह का मुकाबला ही नहीं है आपस में, और वही रिज़ल्ट है, अल्लाह का शुक्र है। और सबसे बड़ी बात सलमान में, जो सबसे बड़ी मेन बात है, इमरान खान सच्चा आदमी था और अल्लाह ने उसकी मदद की, क्योंकि लोगों के, उसकी बात लोगों के दिल में बस गई, और जब लोगों के दिल में बस की, अल्लाह ने हमारी मदद की। देखिए, कोई सोच सकता था ये बात? मेरी बहुत से मुख्तलिफ लोगों से, दोस्तों से बात होती थी, सियासी लोगों से बात होती थी, वो कहते थे कि तुमने गलत राह अख्तियार की है और तुमने पावर छोड़ी है। मैं कहता नहीं, इंशाल्लाह कामयाबी इस मुल्क की होगी और इस पाकिस्तान की होगी, इन बच्चों की होगी, और उन बच्चों ने कमाल कर दिया है, और नौजवान बच्चों ने, आज भी आप देख लें कि आज 80% नौजवान करोड़पक्का के हमारे साथ है, और इंशाल्लाह इन्हीं का, हम इन्हीं लोगों के लिए आए हुए हैं, और इनके लिए हम चाहते हैं कि ये मुल्क जो है रोशन हो। और इमरान खान की तो उसकी कोई नहीं है पीछे, ना औलाद है, ना उसको कोई वली वारिस है पीछे जो उसकी हकमियत करेगा। इस तरह हम चाहते हैं कि इस तरह का हो पाकिस्तान, इस तरह के लीडर हो, और इस तरह के हम लोग, जो हम लोगों में से कोई ऊपर आना चाहे वो आ सके। और मैं समझता हूँ कि हमारी टीम जो नौजवान है, इनको इस्तेमाल करके हम इस सिस्टम को ठीक कर सकते हैं।